he may be working very hard, maybe sometimes both the mother and the father also. Nowadays there is a culture that mothers also want to contribute financially to the home, right? So there are two types of important contributions a woman can make. One or the most important contribution a woman can make is cultural contribution, and second contribution, which is secondary, which she can also make to the family, is financial contribution. If the only thing we value is finance, then many times our children may become totally neglected. I have heard this from many parents. Wo kya bolte hain, maine itna pareshaniyan mujhe saha जब मैं छोटा था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास ये नहीं था. हम अपने बच्चों को सब कुछ फैसिलिटी देना चाहते हैं, इसीलिए हम अपने प्यार को दर्शाएंगे, मेहनत करेंगे, बहुत सारा धन कमाएंगे और अपने बच्चों को सही जीवन उनको देंगे. देखिए, ये प्रेम है, ये बात सही है, उनको प्रेम है, लेकिन क्या ये प्रेम विजडम के साथ है? बच्चे को क्या आपके पैसे की जरूरत है कि आपकी जरूरत? जरा सोचिए, जैसे एक स्टोरी दी थी कि बच्चा गया, द चाइल्ड वेंट टू द फादर एंड सेड, पापा पापा पापा, फादर हैड कम विद स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट इन द ऑफिस, रात के 8 बजे 9 बजे आया और बड़ा थका हुआ था. चाइल्ड बोला, पिताजी पिताजी, व्हाट इज योर मंथली इनकम? पिताजी बोला, अरे यार, यू डोंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, व्हाट इज द यूज ऑफ आस्किंग सच क्वेश्चंस. कितना इरिटेट हो जाते हैं हम अपने बच्चों के ऊपर. टेंशन तो होता है बॉस का, लेकिन निकलता है बच्चे के ऊपर, क्योंकि बॉस को तो सुना नहीं सकते, बच्चे को सुना देते तो सुन लेता है. आपका बच्चा है, सुनना तो पड़ेगा उसको. लेकिन ये सारे फीलिंग्स अंदर चले जाते हैं. एक बात बता दूं, सुन तो लेगा, लेकिन जब वो टीनेज में आ गया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, ईगो है उसकी. याद रखिएगा, हमको पता है जब बॉस हमें झाड़ता तो क्या होता है, सबको पता है. जब बॉस झड़ता है, बोलते हैं कि यार इसको अगर पैसा नहीं दे रहा होता तो अभी ऐसा बजाता है कि नहीं. सो वी लिसन बिकॉज वी आर इन नीड ऑफ मनी एंड द बॉस इज शाउटिंग, वी कैन नॉट डू मच. लेकिन बच्चा आपका प्रेम चाहता है, पैसा नहीं चाहता है, ये समझ लीजिए. दूसरे की टेंशन बच्चे पे निकालोगे, हर्ट हो जाएगा. और आप सोचोगे, बच्चा तो मेरा ही है ना यार, कुछ भी कैसे भी मेरा ही अधिकार है ना. मैं आपको ये बता दूं, इतने सारे बच्चे मेरे को क्या आके बोलते हैं कि मेरे पापा मम्मी मुझे प्यार नहीं करते. मैं बोलता हूं, यार प्यार नहीं करते तो इतना सब कुछ कर क्यों कर रहे हैं? तो बोले, ये कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं. तो मैं बोलता हूं, अरे नहीं नहीं भाई. तो देखिए, अगर आप बच्चों के एंगल से देखेंगे तो शायद आपके पैसे को कुछ अहमियत देते ही नहीं. दे वैल्यू योर टाइम मोर देन द वेल्थ ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, ये समझिएगा आप. इसीलिए पैसे की रेस में मम्मी भी गई ऑफिस, पापा भी गए ऑफिस, बेटा गया नर्स के पास. वेस्टर्न कंट्रीज, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, मदर इज वर्किंग, द फादर इज वर्किंग, द चाइल्ड इज विद द नर्स. तो वो प्रेम किसको करेगा? माँ को नहीं करेगा, पिता को नहीं करेगा, नर्स को करेगा. मिस किसे करेगा? नर्स को मिस करेगा, है कि नहीं? तो देखिए, ये आप समझिए, आप चाहते क्या हो जीवन में. फाइनेंस इज इम्पोर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग फाइनेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट व्हाट इज द यूज ऑफ दैट मनी विच इज सेपरेटिंग यू फ्रॉम योर चाइल्ड. और बात याद रखिएगा, सोचते होंगे बच्चे भूल जाते हैं, शायद इंसिडेंसेस भूल जाते हैं, फीलिंग्स को नहीं भूलता कोई. शायद बोल नहीं पाएंगे कब आपने उसको झाड़ा, लेकिन झाड़ा है तो अंदर जरूर रह जाए. तो प्रिंसिपल नंबर 2 इज, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू पर्सनल टाइम स्पेंट विद योर चिल्ड्रन. ये बात याद रखिएगा, चिल्ड्रन नीड योर प्रेजेंस मोर देन द प्रेजेंट. यू मे नॉट बी एबल टू गिव हिम द टॉय व्हिच ही नीड्स, यू मे नॉट बी एबल टू गिव हिम द मनी दिस और दैट फैसिलिटी. इफ यू गिव हिम योर टाइम एंड अटेंशन, चाइल्ड विल ग्रो लाइक सो वंडर. वो सशक्त हो सकता है, ही और शी विल बी एम्पावर्ड एज अ चाइल्ड. तो ये बात याद रखिएगा, नहीं तो फिर बच्चे फिर मेरे को आके बोलते हैं कि पापा तो अपने आप को ही प्यार करते हैं, मुझे तो प्यार ही नहीं करते. ये नहीं हो जाए आपके साथ, है ना.